नमस्ते दीदी। नमस्ते ममता। काय काम करे राजी जी? अरे मैं ये देख रही थी कि जो अपन वर्मी कंपोस्ट बनाए कि नहीं, तो खाद तैयार भी हो नहीं, वो खेत में नाखना वास्ता। यो खाद तुम तैयार करे राजी जी, तो तुम अब कायम नाखोगा पण हल्दी लगाओगा कि नहीं खेत में इना लेने? वो खाद तैयार कर रहे हल्दी मक्का भी लगाणो छे, तो हम सोचे थे कि काई काई काम लगा है, मक्का भी बताई दियो। हल्दी की खेती करना वास्ते नहीं, खेत में अच्छी तरह तैयार करना पड़ा पहले। खेत कसो तैयार करना जी? हल्दी की खेती दोमट मिट्टी जमीन में अच्छी हुई। हल्दी की खेती करना, हल्दी की खेती मतलब जमीन जब अपन तैयार करना पड़ा नहीं, तो उनमें चार बार अपना आड़ी न खड़ी भी हल से जुताई करना पड़ा, और उन बाद में उनमें पट्टियों लग फिरना पड़ा। उन बाद में खेत में पत्थर न कचरो जो भी रहे सब साफ कर लेना चाहिए, चूग लेना चाहिए। उन बात का ही करना पड़ा। उन बाद में अपने जैसे बेट सी लगाना हल्दी, तो अपन बेट खिचार दो, नहीं तो फिर क्यारी सी भी लग सके। जी जी हल्दी लगाना का पहले का बीज की भी तैयारी करना पड़ा। बीज रो अगर अपन उपचार अच्छे से कर लेंगे नहीं, तो उनमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगा, जो मिट्टी रहे ना उनमें, और फफूंद वगैरह तो जरा भी नहीं लगेगा। बीज को उपचार कसो करना जी? जी चल मैं अभी बता दू था ना कि कर बीज उपचार कर। बीज उपचार करना वाले पहले पानी चाहिए, फिर हल्दी ले लो, और यो टाइकोडर्मा पाउडर आओ, इन्हें जरूरत लागा। एक करने से क्या होगा? ये जो टाइकोडर्मा पाउडर है ना, इनसे अपना बीज में फफूंदी बीमारी नहीं आएगा। अब आगे क्या करना जी? 10 लीटर पानी लेना है, और 100 ग्राम टाइकोडर्मा पाउडर डालना, उनमें हल्दी 1 घंटा तक भिगोन रखना पड़ेगा। बता दीजिए कि ना घोल का अपन कितने बार काम में ले सकते? इन्हें घोल अपन 2 बार काम में ले सका, उन बाद में तीसरी बार अगर करना नहीं, तो दूसरा उपकरण करना पड़ेगा। ये अपन देखो टाइकोडर्मा घोल कर लियो, अब इनमें अपन हल्दी मिली देवा 1 घंटा ले। अभी 1 घंटा होगा, इन्होंने थोड़ी देर छाव सुख देगा। अब एक बात क्या करना जी? अभी हल्दी ने खेत में बोना लेने तैयार हो गई, अभी इन अपन खेत में ले जाए बोआंगा। खेत में कैसा लगाओ जैसे हमको बता दियो जी? जी हो चल सन बताई दूंगा है ना कि कर लगानो। ये बेड री दूरी है नी 4.5-4 फीट का बेड बना लेनो, उन बाद में उनमें हर रो 1 काउन हाँकना, गोबर की खाद या वर्मी अपन थोड़ी थोड़ी डालना, वापस पटिया सी बेड ना चपटा कर देना। कैसे वर्मी खाद तैयार करेगा जी? जी वर्मी के वर्मी ढंगा थंगा तो अपना करना पड़ेगा कि 1 एकड़ में नहीं 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो स्यूडोमोनास भी मिले देवांगा। उनसे कह रहेगा कि कई भी प्रकार जो जमीन अंदर जो बीमारी रेवक नहीं वानी लगेगा, फफूंद वगैरह कहीं भी नहीं,
और अपनी फसल अच्छी रही ला। हल्दी कितनी कितनी दूरी पर लगाऊं जीजी? देखो ये है नी जो अपना बेट है नी, इन बेट पर अपना दो चांस निकल जाएगा, और दो चांस में जैसे जो लगाना लंबाई जो रही ला वो 8 इंची रही ला और चौड़ाई 10 इंची रही, नहीं 4 इंचे उंडी लगानी चाहिए जमीन रे अंदर। हाँ येरी लगे देनो, उन बाद में उनको मिट्टी से अच्छी ढक देनो। हाँ उन बाद में इन्हों कई करना पड़ेगा कि इन्होंने चारों बहुत जल्दी उग जाए, और हल्दी लेट होगा तो निंदाई करना, बाद में एक बार फांसी 20 से 25 दिन बाद में एक बार वापस बेट चढ़ाई देवा। बहुत बहुत धन्यवाद जीजी, तुमने हमका हल्दी का बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिया। हाँ एरी तो लगा जन फिर कई समस्या आओ नहीं तो मन बुले ले जाऊंगा, है ना।